कैसे नदरलैंड वालों, मजा आया, बड़े शौक से आपने क्वालिफाई किया था और हमारे ग्रुप में आ गए। ससुरी वालों, कितना बेदर्दी के साथ आज पहला हमारे तीन बल्लेबाजों ने आधा शतक लगाया और गेंदबाजों ने भी क्या कमाल किया। कोहली भाई, आपने आज फिर कमाल कर दिया, 44 गेंदों पर 62 रन और नाबाद रहे। और मैंने तो फिर भैया कमाल किया, सूर्या बन के दिखाया, आज मैंने 25 गेंदों पर आधा शतक ठोका। हाँ सूर्या, आपकी पारी की वजह से टीम का स्कोर 179 पर पहुंचा, लेकिन आज हमारे रोहित शर्मा ने भी शर्म किया, आधा शतक लगाया, लेकिन फिर क्या हुआ, दो कैच इसके छोड़े आज नदरलैंड वालों ने। हाँ मेरे शेरो, अब मैं भी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। फिर क्या हुआ, एक आधे मैच में मेरा बल्ला नहीं चला, अब नदरलैंड के खिलाफ मैंने हाथ खोल लिया है, आगे बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ मैं भी बल्ला चलाऊंगा, बस वर्ल्ड कप हमको जीतना है। अबे चुप करो इंडिया वालों, ससुरी वालों, हमारी कोई टीम है, हम तो वैसे शौकिया तौर पर खेल रहे हैं, लेकिन तुम लोग ज्यादा खुश मत हो, तुम्हारा अगला मैच साउथ अफ्रीका के साथ है, रिली रोसो आपको ठोकेगा, आज देखा नहीं उसने किस तरह से शतक लगाया है। अबे चुप कर, नदरलैंड वाले खुद तो जीत नहीं सका, दूसरों की धमकी दे रहा है, साउथ अफ्रीका को भी देख लेंगे, वो रिली रोसो है, बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगाया, इधर मेरी गेंदबाजी के सामने वो लूल हो जाएगा ससुरी के, तो चुप बैठ। अबे दिमाग नहीं खराब करो खामखा ससुरी वालों, हम तो वैसे टाइम पास करने के लिए खेल रहे हैं, हमारी कौन सी टीम है ससुरी वाले, आगे तुमको पता चल जाएगा, अब तुम लंबी लंबी छोड़ते हो, हारने के बाद तुमको बात नहीं आएगी ससुरी वाले, चुप करो। रोहित भैया, मेरे से चौथा ओवर क्यों नहीं करवाया, ये भी ससुरी वाले, एक विकेट इनकी बच गई, मेरे को चौथा ओवर देते, मैंने इनको ऑल आउट कर देना था, 19वां या 20वां ओवर मेरे को देते यार। बी कुमार, 19वां ओवर हमने शमी से करवा डाला, हमने सोचा चलो वो भी एक आधा विकेट ओवर निकाले, लेकिन आप अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, तीसरे ओवर में 9 रन जरूर दिए, लेकिन एक विकेट भी आपने हासिल की, 20वां ओवर मजबूरी थी, अर्शदीप हैट्रिक पर था ना इसलिए। कुमार भैया, काय को टेंशन लेते हो, अगले मैच में कर लेना 4 ओवर छोड़ के, 5 पूरे कर लेना, ये वाला भी ओवर कर लेना, आज तो हमने इनको 56 रन से ठोका है और रन रेट भी बढ़िया किया है, अब हम सेमीफाइनल में पक्के जाएंगे। चलो अब चुप करो, हम सब बढ़िया खेले, आज तो हमारी गेंदबाजी भी कमाल रही और बल्लेबाजी उससे बढ़िया रही, अब तीसरा मैच हमारा साउथ अफ्रीका के साथ है, मैं उस मैच में शतक लगाने की कोशिश करूंगा, आप भाइयों ने मेरे लिए दुआ करना है। कोहली भाई, आधा शतक ही बहुत बढ़िया है, कहीं शतक लगाने के चक्कर में लालच में ऐसा ना हो कि फिर तुम्हारी फॉर्म लूल हो जाए, बढ़िया तरीके से खेलना ठीक है, उस दिन मैच साउथ अफ्रीका से होगा 30 तारीख को। अबे चुप करो इंडिया वालों, हमारी हल्की सी टीम को इतना बेदर्दी के साथ आपने आज ठोका है, मैं आपको बदवा देता हूँ कि आपकी टीम साउथ अफ्रीका से हार जाए, फिर मजा आएगा हमको ससुरी वाले, हम तो आपसे जीत नहीं सकते और क्या करें। रोहित भैया, ये देखो ससुरी का खुद जीत नहीं सका, हल्की सी टीम लेके आ गया, इसको किसने बोला था हमारे साथ मैच खेलो, अब हार गया, देखो किस तरह से बदवाएं दे रहा है, इसको मैं मारूं, 3-4 लगाऊं, इसकी तबीयत ठीक करूं क्या? सूर्या छोड़, इस ससुरी की तबीयत ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी जब हमारी टीम साउथ अफ्रीका वालों को भी पेलेगी, इसका भी दिमाग खराब है, हमने कौन सा इसके साथ ना इंसाफी किया है, मैच ही जीता है, ससुरी का पॉकेट में बदवाएं दे रहा है, देने दे। और नदरलैंड के कप्तान देले जितनी बदवाएं दे सकता है जी भर के देले, तेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा, वैसे भी तेरी बदवाओं से हमारा बल्ला रुकने वाला नहीं है। भाइयों केवल फनी वीडियो थी, वीडियो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो।